सबसे पहले बात गौतम बुंदगर की, जहां आज सुबह एक व्यक्ति का शव मिला। शव की पहचान गौर सिटी में रहने वाले गौरव चंदेल के रूप में हुई है। गौरव 3M इंटरनेशनल कंपनी में रीजनल मैनेजर थे। ये कंपनी सर्जिकल उपकरण बनाती है। घर वालों का आरोप यह है कि गौरव की हत्या की गई है। घर वालों की माने तो कल रात वो करीब 11 बजे अपनी कार से घर लौट रहे थे। नोएडा के परथला चौक से उन्होंने घर वालों से फोन पर बात करके 5 मिनट में घर पहुंचने की बात कही थी, लेकिन 40 मिनट बाद घर नहीं पहुंचने पर घर वालों ने फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद पूरी रात उनके घर वाले, पड़ोसी और दोस्त उन्हें ढूंढते रहे। बाद में पुलिस में भी गुमशुदगी की लिखित अर्जी दी गई, लेकिन पुलिस भी उन्हें ढूंढ नहीं पाई। आज सुबह गौरव चंदेल का शव परथला चौक के आगे हिंदन नदी पर बने पुल के पास मिला। शव के पास ना तो उनकी गाड़ी थी, ना उनका मोबाइल और लैपटॉप बैग भी उनके पास नहीं था। यही जो है वो रात को 10:30 बजे गुड़गांव से अपने घर गौड़ सिटी बन जा रहे थे, बिसरख थाने के इंचार्ज के पास थे, जहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन दी, पर उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई वहाँ पे नहीं करी। उन्होंने ये कहा कि जो सर्विलेंस है वो सुबह 10 बजे स्टार्ट होता है और जो भी कुछ हो पाएगा सुबह ही हो पाएगा। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल आए और उनसे छानबीन जारी करी। करीब 4:30 बजे के आसपास हमें ये गौर के रास्ते में किनारे तो ये आपको हम बता रहे हैं जिस व्यक्ति का शव मिला है गौर सिटी बताई गई है, और ये इस वक्त वो एरिया हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर से डेड बॉडी बरामद की गई है। निजी कंपनी में मैनेजर थे ये शख्स, और देर रात जो है घर वालों को फोन करते हैं, 5 मिनट में आने की बात कही जाती है, लेकिन उसके बाद 40 मिनट तक यहां पर कल रात एक गौरव जनरल नाम के व्यक्ति जो गुड़गांव में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, अपने घर की तरफ गौर सिटी की तरफ आ रहे थे अपने ऑफिस से। तो करीबन 10:22 पर उन्होंने अपनी पत्नी को कॉल किया और उसके बाद उनका कोई कॉल नहीं आया, तो उनकी जो घर वाले हैं वो थाने पहुँचे और पुलिस ने तत्काल इसके ऊपर इनकी लोकेशन निकलवाई गई, और इनकी लोकेशन बिसरख की तरफ करीबन 10:40 पर मोबाइल की आ रही थी। तो बिसरख में इसके ऊपर चेकिंग करवाई गई काफ़ी एरिया में, पर सुबह करीबन 4:30 बजे इनकी बॉडी थाना फेज 3 के अंदर ही एक क्रिकेट ग्राउंड है उसके पास से पाई गई। और अब पुलिस ने 4 टीमें बना दी हैं और सारी CCTV फुटेज, सारी मोबाइल लोकेशन, इनके ATM कार्ड की सारी जानकारी, बैंक अकाउंट की सारी जानकारी, और इसकी आगे पूरी तफ्तीश की जा रही है। तो जल्दी हम इन लोगों को जिन्होंने यह घटना की है उनको जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जल्द गिरफ्तारी की बात आरोपी की कही जा रही है, लेकिन देर रात यहां पर जो युवक है उसकी तरफ घर वालों को फोन किया गया, 5 मिनट में आने की बात कही गई, लेकिन 40 मिनट तक कोई अता पता नहीं हुआ। तब जाकर घर वालों ने जब दोबारा कॉल किया तो फोन का भी कुछ पता नहीं चला। तो गौर सिटी के गौरव चंदेल की मौत के बाद घर में मातम है। पत्नी प्रीति आखिरी बात का जिक्र करते करते भावुक हो जाती है। वहीं गौरव चंदेल के दोस्त पुलिस के रवैये से नाराज है। 10:22 पे मेरी उनसे बात हुई तो वो बोले मैं परथला चौक इतना कुछ सुनाई दिया, आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी, उससे पहले जितनी बार बात हुई आवाज़ बिल्कुल साफ आई। बोले परथला चौक में और रुको 2 मिनट प्रीति करता हूँ। तो मुझे लगा या तो ये रुके हैं या किसी और का कॉल वेटिंग पे कॉल आ रहा है या कोई बात है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर वेट किया, उनका कोई फ़ोन नहीं आया, तो मैंने खुद कॉल मिलाया। उसके बाद उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। हम 4 चौकी पे गए, हम 71 की चौकी पे गए, हम चेरी काउंटी की चौकी पे गए, हम गौर सिटी की चौकी पे गए और हम बिसरख थाने में गए। चौकी पे किसी पे कोई मिलता नहीं था, किसी पे कोई कि हमारा क्षेत्र नहीं है, कोई हमारा क्षेत्र नहीं है। बिसरख थाने में हम 3 घंटे खड़े रहे, जबकि वो ये जो हमारे पास 3 बार हमने मोबाइल ट्रेस करवाया था तो उसमें गाड़ी की लोकेशन आसपास 5-6 किलोमीटर में, फ़ोन की लोकेशन 5-6 किलोमीटर में मिली। तो फिलहाल ये घर वालों की तरफ से नाराजगी भी कह सकते हैं जाहिर की जा रही है पुलिसकर्मियों की तरफ से, कि ये भी कहा गया कि ये स्थानीय का मामला नहीं है, कहीं पुलिस चौकी पर उन्हें पुलिसकर्मी ही मौजूद नहीं मिले। और ऐसे में अब आज सुबह शव बरामद हुआ है मैनेजर का। रात 11 बजे
बात जब हुई यहाँ पर घर वालों से तब 5 मिनट की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद आज सुबह सीधे यहाँ पर गौरव का शव जो है बरामद किया गया। शव के पास ना ही गाड़ी मिली, ना मोबाइल मिला, ना ही लैपटॉप मिला, जिसके बाद घर वाले ये कह रहे हैं कि हत्या की गई है गौरव की। आपको बता दें गौरव रीजनल मैनेजर थे कंपनी में, गौर सिटी में रहते थे अपने परिवार के साथ, और ये बात सामने आई है कि अपहरण के बाद उनकी हत्या की गई है। पुलिस फिलहाल ये कह रही है कि जल्द ही आरोपी की तलाश कर ली जाएगी, आरोपियों का पता लगा लिया जाएगा, लेकिन देर रात जब थाने यहां पर परिजन पहुंचते हैं शिकायत लेकर गुमशुदगी की, तो थाने से लोगों को निराशा जो है हाथ लगती है, जो परिवार वाले हैं, क्योंकि परिवार वालों की तरफ से कहा जा रहा है कहीं पुलिसकर्मी नहीं मिले, कहीं पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है कहकर कि इस थाने का मामला नहीं है। और ऐसे में आज सुबह जब खबर मिलती है तो इस परिवार के लिए वो खबर बेहद चौंकाने वाली होती है, दुखद होती है, क्योंकि गौरव का शव जो है वो यहां पर बरामद किया जाता है। तो सीमावाद में पुलिस उलझी रही और इसी बीच एक शख्स की हत्या हो जाती है जो कि अपने घर पर आने की बात कहता है, लेकिन कुछ समय बाद ही उसका फोन नहीं मिलता है, कोई फोन नहीं उठाता, और सुबह उसका शव जो है बरामद किया जाता है। तो गौर सिटी में गौरव रहते थे, एक रीजनल मैनेजर थे, कंपनी में काम करते थे, देर रात घर पर आने की बात उन्होंने कही, जब परिवार वालों ने बात की, उनसे पता किया, उसके बाद जब गौरव घर पर नहीं पहुंचे 40 मिनट तक, तो घर वालों की तरफ से उनके फोन पर दोबारा कॉल किया गया, जिसके बाद गौरव ने फोन रिसीव नहीं किया, और उसके बाद से ही घर वालों की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की तलाश जो है गौरव को लेकर शुरू हो जाती है, और वो तलाश दुखद अंत पे खत्म होती है। आज सुबह गौरव का शव जो है वो बरामद किया जाता है। अब परिवार वाले ये कह रहे हैं कि अपहरण यहां पर किया गया है गौरव का, जिसके बाद गौरव की हत्या की गई। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही यहां पर जो आरोपी हैं उनको पकड़ लिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी यहां पर की जाएगी, लेकिन देर रात से ही ये चौकसी क्यों नहीं दिखाई गई, इसको लेकर भी तमाम सवाल जो है वो परिवार की तरफ से भी उठते हुए बनेंगे यहां पर। तो ये बता दें आपको, गौतम बुद्ध नगर में यहां पर ये शव जो है बरामद किया गया, आज सुबह ही ये शव जो है गौरव का वो बरामद हुआ है। शव की पहचान गौर सिटी में रहने वाले गौरव चंदेल के रूप में हुई है। गौरव की अगर बात कर ली जाए प्रोफाइल की, तो गौरव 3M इंटरनेशनल कंपनी में रीजनल मैनेजर थे और ये कंपनी सर्जिकल उपकरण बनाती है। घर वालों का ये आरोप है कि गौरव की हत्या हुई है, गौरव का अपहरण किया गया, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई है। घर वालों की माने तो घर वालों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रात में करीब 11 बजे अपनी कार से वो घर लौट रहे थे, नोएडा के परथला चौक से उन्होंने घर वालों को फोन भी किया, बाकायदा फोन पर बात हुई, गौरव की तरफ से कहा गया कि 5 मिनट में वो घर पहुंच जाएंगे, लेकिन जब 40 मिनट का समय बीत गया तो घर वालों को चिंता होने लगी। उसके बाद घर वालों ने जब कॉल किया गौरव को दोबारा, तो उधर से कोई जवाब नहीं मिला, यानी कि गौरव ने फोन ही नहीं उठाया, और उसके बाद घर वालों की तलाश शुरू हो जाती है। पूरी रात घर वाले गौरव को ढूंढते हैं, उनके पड़ोसी ढूंढते हैं, रिश्तेदार ढूंढते हैं, लेकिन गौरव का कुछ पता नहीं चलता। थाने जाकर पुलिस का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस की तरफ से जवाब ये मिलता है कि इस थाने का ये मैटर नहीं पड़ता, या कई जगह पुलिसकर्मी उन्हें नहीं मिलते हैं। और ऐसे में पूरी रात बीतने के बाद आज सुबह गौरव का शव जो है वो बरामद होता है। बाद में आपको भी बता दें कि गुमशुदगी की जो लिखित अर्जी है वो रात को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस उन्हें रात को ढूंढ नहीं पाई थी। आज सुबह शव बरामद हुआ और अब परथला चौक के आगे हिंडन नदी पर बने पुल के पास यहां पर कहा जा रहा है शव बरामद हुआ है। और राहुल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, इस पूरे अगर कहानी की बात कही जाए, जो पूरा क्रम बताया जा रहा है कि रात को फोन किया गया था, 5 मिनट में घर पहुंच रहे हैं, उसके बाद अचानक से फोन भी नहीं उठाते, सुबह शव बरामद होता है, गाड़ी लैपटॉप सब गायब मिलता है, इसको लेकर पुलिस के अंदेशा भी लगा रही है, क्योंकि घर वाले अपहरण और हत्या की बात कह रहे हैं। देखिए, पुलिस इस पे FIR दर्ज करके और पूरे मामले की यहाँ पर जांच कर रही है कि आखिर में क्या मामला था और आखिर में कैसे ये पूरी की पूरी घटना हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, चौंकाने वाली कई चीजें इसमें है कि जब वो घर से निकलते हैं और हिंडन पुल के पास में उनका शव मिलता है, ये इस पूरे के पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से कई चीजें यहाँ पर हिलावाली देखने को मिली कि इसमें सबसे बड़ी चीज थी कि जब ये मामला होता है पुलिस के पास, जब परिवार वाले जाते हैं तो परिवार वालों को कहा जाता है कि यहाँ पर उसकी जांच वो आप चले जाइए, हम लोग उनके ट्रेस कर रहे हैं, लोकेशन का ट्रेस करने के बाद ही उनको जानकारी देंगे। लेकिन फिर उसके बाद परिवार वाले
खुद ही निकलते हैं, खुद जा करके और उसके बाद चारों तरफ जांच करते हैं और वो खुद अपनी तलाश करते हैं। तलाश करने के बाद उनको कहीं सीधे तौर पे शव मिलता है, जो 4:15 के करीब में, 4:30 करीब में उनको शव मिलता है और वो उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस तब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पे यहाँ पे बढ़ती है। कई चीजें यहाँ पर है क्योंकि 5 मिनट पहले उन्होंने फोन किया था और फोन पे बात करते करते ही उन्होंने कहा था कि आप फोन रखो, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो उसी समय कहीं ये सीधे तौर पे ये जो घटना घटी है वो उसी समय घटना ये घटी है। और उसके बाद क्योंकि यदि पुलिस त्वरित कार्रवाई यहाँ पर की रहती तो यहाँ हो सकता है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो हत्यारे हैं उनको कहीं सीधे तौर पे ट्रेस किया जा सकता था, उनको कहीं ना कहीं पकड़ा जा सकता था। लेकिन यहाँ पर पुलिस का एक ढुलमुल रवैया जरूर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। यदि पुलिस की यदि तुरंत काम करती इसमें तो कहीं सीधे तौर पर उनको हो सकता है कि बचाया भी जा सकता था। लेकिन कई चीजें हैं, पुलिस यहां पर जांच कर रही है। हालांकि जो एसएसपी हैं उनका कहना है कि जल्दी इस मामले की हम लोग खोल देंगे। बिल्कुल राहुल, क्योंकि पुलिस अपनी तरफ से ये कार्रवाई कर रही है, आगे जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन परिवार की तरफ से जैसा कि कहा गया है, ये आशंका जताई गई है कि हत्या और अपहरण किया गया है, तो क्या किसी का नाम भी लिया गया है, किसी पर शक भी जाहिर किया गया है परिवार की तरफ से? कौन लोग हो सकते हैं जो इस घटना को अंजाम दे सकते हैं? तरीके नाम यहाँ पर व्यक्त नहीं किया गया है कि आखिर में कौन लोग थे, किन लोगों के ऊपर इन लोगों का शक था। लेकिन ये हत्या क्योंकि कई एंगल से यहाँ पर इस पे तलाश की जा रही है, क्योंकि अब जब वो वहाँ से निकले हैं और निकलने के बाद जो अपराधी, जहाँ तक माना यह जा रहा है कि अपराधियों ने वहाँ पर पहले उनकी गाड़ी को हिट किया और गाड़ी को हिट करने के बाद यहाँ पर जब वो गाड़ी से रुके हैं, उतरे हैं, तब जाकर के उनके साथ में स्नैचिंग की गई है और उसके बाद उनको मारपीट उनके साथ में की गई है और उनको मार करके और उन्हें फेंक दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा कहीं सीधे तौर पे पुलिस कई एंगल पे यहाँ पर अभी तलाश कर रही है। हालांकि परिवार के लोग अपहरण और हत्या की यहाँ पर आशंका यहाँ पर जरूर जता रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर में जांच में किस तरीके से निकल करके आता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, परिजनों की तरफ से हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस अब किस एंगल से इस पूरे मामले को खंगालती है, कैसे पूरे मामले में जांच निकल के आती है, जांच का विषय है, जिसको लेकर पुलिस ये भी कह रही है कि जल्द ही आरोपी जो है वो पकड़ में आ जाएंगे।